हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इसराइल कैसे बना यहूदियों का देश। इस टॉपिक पर चर्चा इसलिए भी करना ज़रूरी है कि फिलिस्तीन जो कि एक देश हुआ करता था आज अपनी प्रस्थिति को खो चुका है, और इसराइल जो कि एक देश नहीं हुआ करता था उसने कैसे अपने आप को यहूदियों के देश के रूप में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता न सिर्फ दी बल्कि यहाँ पर विश्व के सबसे खतरनाक देशों सुपर पावर के तौर पर अपने आप को यहाँ पर एक मजबूत देश के रूप में स्थापित भी कर लिया है। एक तरफ इसराइल के द्वारा हमास पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, राफा पर यहाँ पर आक्रमण किए जा रहे हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिलिस्तीन जो है अपनी स्थिति को पाने के लिए मौजूदा स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को स्थापित करने के लिए यहाँ पर जूझ रहा है। इसी कड़ी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसराइल कैसे बना यहूदियों का देश और फिलिस्तीन और इसराइल का संघर्ष के बीच की कहानी क्या है। तो देखिए, यहाँ पे कहानी की शुरुआत 75 साल पहले होती है, 14 मई का दिन, जब इसराइल यहाँ पर एक देश के रूप में धीरे धीरे अपनी स्थिति को प्राप्त करने लगता है। एक भू राजनीतिक स्थिति जो होती है यहाँ पे पनपने लगती है। इस कहानी की शुरुआत 1917 में होती है, जब प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन अम्पायर की हार के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन कब्जा कर लेते हैं, और यहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी थी वो अरब मुस्लिमों की होती थी और यहूदी जो थे वो मूलतः यहाँ पर अल्पसंख्यक हुआ करते थे। 1917 के बाद 1920 से 1940 का दौर आता है, जब यूरोप में यहूदियों का धीरे धीरे देखा जाए तो आपका प्रवेश जो होता है बढ़ने लगता है। यहूदियों के खिलाफ देखा जाए तो भावनाएं भी यहाँ पर इसके कारण बढ़ने लगती हैं। ब्रिटेन जो है फिलिस्तीनियों में यहूदियों के एक अलग देश बनाने को लेकर के काम यहाँ पर उसे सौंपा जाता है। इसी बीच देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर आ जाता है और हिटलर की फौज लाखों यहूदियों का नरसंहार कर देती है, और इस स्थिति में यहूदी जो होते हैं यरूशलम को अपना घर मानते हैं। उनका दावा है ये ज़मीन जो है भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों को यहाँ पर सौंपी थी, और इसके बाद धीरे धीरे वो इस क्षेत्र में यहाँ पर आना प्रवेश करते हैं, शुरू करते हैं, कॉलोनियाँ बसाना शुरू करते हैं इस दौरान, और अपने आप को यहाँ पर एक बड़ी संख्या में स्थापित भी कर लेते हैं। इसके बाद 1947 से 1948 का समय, जब यहाँ पर यहूदियों के लिए बिना देखा जाए जैसे वर्ल्ड वार आपका सेकेंड समाप्त होता है, ब्रिटिश जो होते हैं वो फिलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं, और यहूदियों को लेकर जो एक देश के तौर पे मान्यता यहाँ पर मिलनी थी वो उसे नहीं मिलती है। लेकिन यहूदियों के द्वारा अपने आप को एक देश के तौर पर इसराइल के यहाँ पर स्थापना करने की घोषणा कर दी जाती है 14 मई 1948 को। फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेता इसराइल के बनने की घोषणा कर देते हैं, और फिलिस्तीनियों के विरोध करने पर 15 मई को 8 महीने की एक जंग शुरू होती है। इस जंग में जहां एक तरफ इसराइल होता है तो वहां दूसरी तरफ आपके अरब देश होते हैं, जिसे इसराइल वर्सेस अरब युद्ध भी आपको कहा जाता है 1947-48 का। यहाँ पर देखा है पश्चिमी देशों के द्वारा इसराइल को समर्थन यहाँ पर प्राप्त होता है, और इसराइल इसका फ़ायदा उठाते हुए अरब देशों को यहाँ पर हरा करके इसराइल एक देश के तौर पर इसको अपने आप को फिलिस्तीन की जगह पर स्थापित कर लेता है। लेकिन अभी भी देखा है फिलिस्तीनियों को जबरन यहाँ पर इसके बाद उनके घरों से निकाला जाने लगा, और अरब मुस्लिम जो है इस दिन को कहते हैं अल नकबा, जिसका मतलब होता है विनाश के दिन के तौर पर उसे वो याद करते हैं। समय आता है जुलाई 1949, जब इजरायली जो फोर्सेस होते हैं करीब 7,50,000 फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल चुकी होती हैं, और धीरे धीरे अपने आप को वहाँ पर उनकी जगह पर बसाना शुरू कर देती हैं। इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी बच्चे और यहाँ पर आपको परिवार जो होते हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर विस्थापित हो जाते हैं। 1949 का दौर आता है जब युद्ध को थामने के लिए यहाँ पर एक सीज फायर का ऐलान किया जाता है। इस सीज फायर के ऐलान के साथ यहाँ पर जंग रुक जाती है, लेकिन फिलिस्तीन के ज़्यादातर हिस्सों पर देखा जाए तो इसराइल का कब्जा हो जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पर कुछ अन्य देशों के जो अरब देश यहाँ पर उन पर वो कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि ज़मीन यहाँ पर कुछ हिस्से जो होते हैं जॉर्डन के द्वारा कब्जा ली जाती है, जिसे हम वेस्ट बैंक के नाम से जाते हैं। इसी तरह मिस्र के द्वारा देखा जाए तो गाज़ा के क्षेत्र पर यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया जाता है, और फिलिस्तीन जो की राजधानी जो यरूशलम को यहाँ पर देखा जाए तो दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक जॉर्डन के पास होता है, वहीं एक यहाँ पर इसराइल फोर्सेज उस पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन ये इसका समाधान नहीं होता, ये युद्ध यहीं पर थम नहीं जाता है बल्कि ये लगातार अनवरत यहाँ पर चलता रहता है। 1949 के बाद एक बार फिर से अगर हम देखें तो वहाँ पर इसराइलियों के विरुद्ध अपने आप को मजबूत करने के लिए फिलिस्तीनियों के द्वारा एक संगठन की स्थापना की जाती है, जिसे 1964 में PLO नाम दिया गया, जिसका मतलब था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम देखें 1964 के बाद 1967 में यहाँ पर एक युद्ध फिर से छिड़ जाता है, और इस बार यहाँ पर इसराइल के द्वारा जो हिस्से यहाँ पर अभी तक अन्य देशों के पास थे, जैसे मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया के पास, इन्हें हरा करके ईस्ट यरूशलम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स इत्यादि क्षेत्रों पर भी ये कब्जा कर लेता है। ये युद्ध देखा जाए 6 दिनों तक चलता है, इसे 6-डे वॉर भी यहाँ पर कहा जाता है, जो कि 1967 में इसराइल के द्वारा यहाँ पर अरब देशों के विरुद्ध लड़ा गया था।
इसराइल कब्जा के इलाकों में यहूदियों की कॉलोनी बसाते हैं और हज़ारों फिलिस्तीनी एक बार फिर से अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। कहानी बढ़ती है 1973 की ओर। 1973 में देखा जाए तो अरब देशों का समूह जो है मिस्र में, हम यहाँ पे देखते हैं 1973 में अरब देशों का समूह मिस्र के नेतृत्व में एक बार फिर से इसराइल पर हमला करता है। ये हमला देखा जाए तो यहूदी वर्ष के पवित्र दिन यानी कि योम कुपुर के 6 अक्टूबर को यहाँ पर किया जाता है। लेकिन इसराइल को देखा जाए तो उसका सहयोगी जो हमेशा से रहा अमेरिका, उसको मदद करता है और इसराइल एक बार फिर से यहाँ पर अरब देशों को हरा देता है। तो इस तरीके से इसराइल वर्सेस अरब का युद्ध जो है वो भी लगातार इसमें चलता रहा। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष चलता रहा। इसराइल लगातार इन क्षेत्रों को एक एक करके जीतता रहा। अमेरिका इसमें सहयोग करता रहा और इसराइल अपने आप को यहूदियों के देश के तौर पर अपने आप को स्थापित करता रहा। इस जंग की कहानी देखा जाए तो एक बार फिर से आपको लगातार चलती रहने वाली थी। लेकिन यूएन ने यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 1974 में रखा गया था। प्रस्ताव में देखा जाए तो कुछ बातों को रखा गया, जैसे कि यूएन ने एक प्रस्ताव 181 के तहत फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक यहूदियों के लिए था और दूसरा यहाँ पे अरब मुस्लिमों के लिए था। वहीं यरूशलम को देखा जाए तो इंटरनेशनल यहाँ पे एक सिटी घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस फैसले को लेकर दोनों ही धड़ों ने अलग अलग यहाँ पे प्रतिक्रिया दी। जहाँ यूएन के इस प्रस्ताव को यहूदी लीडर पसंद करते थे, यानी इसराइल के द्वारा इसे माना गया, लेकिन अरब देशों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्हें इस यूएन के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका अपने आप को एक बार फिर से यहां पर दोनों ही देशों के मध्य विवाद को सुलझाने को लेकर सामने आता है और 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इसराइल के प्रधानमंत्री के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के शांति समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इसे यहाँ पर डेविड अकॉर्ड नाम दिया गया। लेकिन हालांकि देखा जाए तो इस नाम ज़रूर दिया गया था, बातचीत काफ़ी लंबे समय तक चली, लेकिन किसी भी सुझाव को यहाँ पर माना नहीं गया। यानी कि बातचीत चलती रहती थी, सुझाव यहाँ पर कई सारे आते थे, विवाद यहाँ पर सुलझाने के प्रयास बहुत किए गए, लेकिन कभी कभी यहाँ पर देखा जाए तो जब आप विवाद खुद नहीं सुलझाना चाहते, ये कुछ ऐसा ही यहाँ पर मुद्दा रहा। कहानी आगे बढ़ती है 1982 में। इसराइल देखा जाए तो 6 जून को फिलिस्तीनी उग्रवादियों पर हमला करने के लिए लेबनान में घुसपैठ करता है। इसमें इसराइल के समर्थन वाले मिलिशिया बेरूत के कैंपों में रह रहे कई सौ फिलिस्तीनी शरणार्थियों को यहां पर मार देते हैं और एक तरीके से जो आतंकवादी संगठन की एक प्रक्रिया रही, लगातार लेबनान से जो हमले किए जाते रहे उसको यहां पर इसराइल के द्वारा खत्म करने की कोशिश की गई। 1982 के बाद 1987 का समय आता है जब यहां पर पहले इंतफादा की इसमें शुरुआत होती है। इस पहले इंतफादा के तहत फिलिस्तीनी जो हैं विद्रोह की एक शुरुआत करते हैं इसराइल के विरुद्ध, और ये विद्रोह कई अलग अलग क्षेत्रों में छुटपुट तरीके से स्टार्ट होती हैं। इसमें मूल रूप से देखा जाए तो वेस्ट बैंक, गाजा और इसराइल में देखा जाए हिंसक यहाँ पे झड़क शुरू होती है और 1987 तक ये लगातार आपको जारी रहती है। दोनों तरफ से लोगों की काफ़ी लोगों की इसमें जान जाती है और इस बीच इसराइल जो होता है धीरे धीरे करके इस झड़प का फ़ायदा उठाता है, पूरे यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर देता है। एक बार फिर से यहाँ पर अमेरिका जो होता है इसराइल का समर्थन करता है और इसराइल को यरूशलम को उसकी राजधानी के तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर उसका समर्थन कर देता है। कहानी यहाँ पर और भी आगे बढ़ती है, 1993 में पहुँचती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अगुवाई में 6 महीने तक सीक्रेट बातचीत चलती रही। इसका फ़ायदा क्या हुआ? 6 महीने की सीक्रेट बातचीत के बावजूद इसराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में 2 समझौते यहाँ पर कराए गए। इसे ऑस्लो एग्रीमेंट किया गया, लेकिन एक बार फिर से इस एग्रीमेंट से कोई भी यहाँ पर हल नहीं निकलता है। यानी इस विवाद को लेकर के समझौते करना और उसे लागू करना दो अलग अलग बात के रूप में इसे लगातार देखा गया। कहानी पहुँचती है सन 2000। फिलिस्तीनियों की तरफ से एक बार फिर से दूसरे इंतफादा की शुरुआत की गई। एक बार फिर से इसराइल के विरुद्ध यहाँ पर हमले शुरू किए गए। इसराइली उस समय के जो लीडर थे एरियल शरोन का मुस्लिमों के लिए पवित्र माने जाने वाली अल अक्सा मस्जिद जाना होता है और दरअसल ईसाई और यहूदी भी इसे अपना पवित्र स्थल टेंपल यहाँ पर माउंट मानते हैं और इस कारण से यहाँ पर ये दूसरे इंतफादा की शुरुआत होती है जो कि धार्मिक आधार पर देखा है यहूदी वर्सेज यहाँ पर मुस्लिमों के मध्य थी। इसके बाद 2002 से 2004 के मध्य एक बार फिर से यहाँ पर हमले शुरू हो जाते हैं। आत्मघाती हमलों की जवाबी कार्रवाई यहाँ पर इसराइल जो होता है वेस्ट बैंक में यहाँ पर घुसपैठ कर देता है। इस बार यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन को बताता है कि वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स में इसराइल का यहाँ पर जो कब्जा है वो गैर कानूनी है, उसे वहाँ से हटाया जाना चाहिए और इस कारण से यहाँ पर देखा जाए तो 2006 में इसराइल को मजबूरन यहाँ पर इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है। करीब 38 साल तक यहाँ पर
कब्जा करने के बाद सन 2006 में इसराइल की फोर्सेस को इस यहाँ पर आपको छोड़कर जाना पड़ता है और इसी का फ़ायदा उठाकर हमास यहाँ पर चुनाव करता है। चुनाव में वो जीत जाता है और यहाँ पर अपने आप को नेतृत्व के तौर पर प्रस्तुत करता है इसरा फिलिस्तीनियों के। 2008 में देखा जाए तो हमास के द्वारा एक फिलिस्तीन मिलिटेंट मिस्र भेजी गई मिसाइलों के से इसराइल पर यहाँ पर हमले की अब शुरुआत की गई। मिस्र की भेजी गई मिसाइलों से इसराइल पर हमला हुआ। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी गाजा पर कई बड़े हमले किए। इसमें देखा जाए तो फिलिस्तीनियों को बड़े स्तर पर नुकसान होता है, 1110 लोगों की जान जाती है और करीब 13 इसराइलियों की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। उसके बाद 2012 में भी एक बार फिर से ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला, जब इसराइल के द्वारा मिलिट्री जो हमास के मिलिट्री चीफ था उस समय का अहमद जबारी को यहाँ पर मार डालते हैं। बदले में दो है हमास के द्वारा भी गाजा पर लगातार हमले किए जाते हैं और गाजा की तरफ से यहाँ पर रॉकेट दागे जाते हैं। इसराइल एयर स्ट्राइक करता है और एक बार फिर से इसराइल के 6 लेकिन फिलिस्तीनियों के 150 लोगों की मौत हो जाती है। 2014 में हमास के मिलिटेंट जो होते हैं 3 इसराइली बच्चों को मार देते हैं। इसराइली मिलिट्री अटैक करता है, 7 हफ्तों तक जारी रहता है। 2200 फिलिस्तीनी, 67 इसराइली सैनिक और 6 बच्चों की यहाँ पर मौत होती है। 2017 में अमेरिका में देखा जाए तो जो नए राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यरूशलम को इसराइल की राजधानी घोषित कर देते हैं। ऑफिशियल तौर पर से स्वीकार यहाँ पर मिल जाता है अमेरिका की तरफ से और अमेरिकी दूतावास भी देखा जाए तो तेल अवीव से यहाँ पर यरूशलम शिफ्ट कर दी जाती है। घटना पहुँचती है 2018, गाजा में देखा जाए एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इसराइली सैनिकों पर पत्थर और गैसोलीन के बम फेंके जाते हैं और जवाबी कार्रवाई में इसराइली 170 प्रदर्शनकारियों को मार गिराता है। कहानी इसके बाद आती है 2023 में, जहां पर इसराइली फिलिस्तीनी मिलिटेंट हमास के द्वारा कई सारे इसराइलियों को बंधक और कई सारे इसराइलियों को मार दिया जाता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल के द्वारा लगातार अब तक पिछले 7 महीने तक हमास पर गाजा पट्टी में राफा और उसके आसपास पूरे एरियाज में यहाँ पर लगातार हमले कर रहा है। इस तरीके से इसराइल एक देश के तौर पर तो उसे मान्यता मिल जाती है, स्वीकारता मिल जाती है, लेकिन इसराइल कभी भी यहाँ पर देखा जाए तो इन संघर्षों से अछूता नहीं रहा है। अब किस तरीके से फिलिस्तीन को क्या एक सदस्य के रूप में मान्यता मिलेगी, क्या फिलिस्तीन और इसराइल दो देश के तौर पर एक साथ यहाँ पर शांतिपूर्वक रह सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पर एक यहूदी देश के तौर पर इसराइल स्थापित हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिल चुकी है और वो लगातार यहाँ पर इस तरह के हमलों का जवाबी कार्रवाई करता रहता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।